भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में रामधुन चलती रही, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हुए। अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश मुख्यालय के मीडिया सेंटर में रामधुन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। साथ ही सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। हम सबका सौभाग्य है, कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको आज की हमारे हाथ में पैसा न तो हाथ में है न हमारे बस में है, वो परमात्मा की कृपा होती है। हम पृथ्वी पे अपना ये जन्म लेकर के आए और ऐसे में हमारे सभी पूर्वजों ने जो विगत 500 वर्ष से ज्यादा समय हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कई कई प्रकार के कष्ट सहन करते थे, कई कई प्रकार की बलिदान दे करके आज ये मौका हमारे बीच में आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, आज यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के गर्भगृह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सब सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर भाजपा के शुभंकर अध्यक्ष मेरे अभिन्न मित्र माननीय वी शर्मा जी, हमारे सबके मार्गदर्शक और सबको लेके चलने की भावना लेने वाले माननीय नित्यानंद जी भाई साहब, इस अवसर कैबिनेट मंत्री मेरे साथी विश्वास सारंगी, सुयोग्य मीडिया के प्रभारी हमारे आशीष अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम और इस अवसर पर सभी मीडिया के बंधुगण, हम और आप सभी भाग्यशाली, परमात्मा की दया से कोई ऐसा सृष्टि में नहीं होगा आज तो जो इस अवसर को निहारना नहीं चाहेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके सारे आयोजनों और जो ये वही देश था जिसके बारे में सारे या साउथ के और एशिया के बाहर के लोग भी पता नहीं कितने प्रकार के हमारे देश के धर्मों के बारे में मजाक बनाते थे, लेकिन सामूहिक रूप से सर्वधर्म सद्भाव का वातावरण बना करके न केवल भूमि पूजन से बल्कि आज अपने प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक और ये इतने प्रकार से सबको लेके चलना, अपनी बात को गले उतारना और खास करके हमारे बहुसंख्यक समुदाय के साथ तो ये बहुत कष्ट रहा है, आज वो सारे कष्ट निवारण का मौका है। और इस अवसर पर मैं बाकी धर्मों के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, मिलजुल करके पूरे देश का पूरे प्रदेश का वातावरण बहुसंख्यक की भावनाओं के साथ कदम से कदम मिला के व्यक्त किया है और प्रभु सबकी कृपा सब पे कृपा बरसाएंगे और ये मान के चलते कि वो तो उनका नाम ही है कि हमारे लिए रोम रोम में राम है, तो परमात्मा की कृपा से एक बार फिर ये नई आज से इबारत लिखी जाएगी और आज के बाद भारत दुनिया में फिर और नए प्रकार से अपनी स्थिति संपन्न होकर के विकास की यात्रा और मानवता की यात्रा को लेकर आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।